द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम जो है वो पटना में होना है आने वाले दिनों में, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही उनका विरोध जो है वो शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हर बार की तरह बीजेपी भी समर्थन में उतर चुकी है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो जब भी कहीं कथा लगाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो वहां पर वो विवादित बयान देते हैं और साथ ही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को बार बार दोहराते हैं। पटना में उनका कार्यक्रम होना है। पटना में कार्यक्रम को लेकर तेज प्रताप यादव ने पहले से तैयारी कर ली है। तेज प्रताप यादव ने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ का निर्माण किया है और इसकी तैयारी भी जोर शोरों से चल रही है। वो अपने ट्विटर पर लगातार तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि धर्म को बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। अगर बिहार में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश धीरेन्द्र शास्त्री ने की तो अच्छा नहीं होगा। बकायदा ट्वीट करके वो सीधी चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम नहीं लिया है। अब आपको खबरों में आगे बताएंगे और कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जो धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बनाया है वो किस तरीके से पटना में तैयारी कर रही है ताकि पटना में कोई भी हिंदू मुस्लिम ना कर सके। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर आप शैलेंद्र यादव का ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर ये तस्वीरें शेयर करते हैं, दो से तीन तस्वीरें यहां पर शेयर करते हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में इन लोगों ने ग्रीन कलर की यानी कि हरी कलर की पैंट पहन रखी है, हरी कलर की टोपी पहन रखी है और व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने आरएसएस का तोड़ ढूंढ लिया है। जिस तरीके से आरएसएस हिंदू मुस्लिम करती है, नफरत फैलाती है, उसी की तरह तेज प्रताप यादव ने इन सभी को रोकने के लिए जो संगठन बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। शैलेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, तेज प्रताप यादव ने किया धर्म निरपेक्ष सेवक संघ का निर्माण, कहा धर्म को बांटने वालों को मिलेगा करारा जवाब। ज्ञात हो कि पटना में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से होना है। बागेश्वर के कार्यक्रम की तैयारी में बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस संगठन और उनके कार्यकर्ता इसकी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी इसमें तन मन धन से जुट रहे हैं। और ये सब क्यों जुटे हैं सबको पता है। वहीं उन्होंने लिखा है कि तेज प्रताप अपने डीएसएस सेना को लगा दिए हैं धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर वो भाईचारा मिटाने के लिए पटना आ रहे हैं तो उनको हम लोग सबक सिखा देंगे। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो इससे पहले भी सीधी चेतावनी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बागेश्वर अगर बिहार में हिंदू मुस्लिम करने आना चाहते हैं तो अच्छा नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम अगर होगा तो अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ तेज प्रताप यादव ने कुछ तस्वीरें यहां पर शेयर की हैं, तैयारियां, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां पूरी हैं। वो तस्वीर, वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, ट्वीट में उन्होंने 3 से 4 तस्वीर यहां पर शेयर की है। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें युवाओं से बातचीत करते हुए, युवाओं को कुछ समझाते हुए यहां पर दिखाया जा रहा है। ट्वीट उन्होंने किया है यहां पर, धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, #DSS। ये DSS वही है जो उन्होंने धर्म निरपेक्ष सेवक संघ बनाया है। इसी के साथ 2 से 3 तस्वीरें यहां पर उन्होंने और शेयर की हैं, जिसमें वही हरी कलर की पैंट, व्हाइट कलर की शर्ट और हरी कलर की टोपी और हरा कलर का झंडा जो है कई युवक इसमें ले जाते हुए आपको दिख रहे हैं। इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि संगठन से कई युवा जुड़े हुए हैं और उनको भाईचारा बनाए रखने की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। तो एक तरफ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में आकर के कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, उनका कार्यक्रम होना है, और ऐसे में तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हमने पहले से ही तैयारी कर ली है, अगर हिंदू मुस्लिम करना चाहा तो अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ आपको बताते हैं कि बीजेपी इसका किस तरीके से समर्थन कर रही है। बीजेपी लगातार तेज प्रताप यादव और आरजेडी पर हमलावर है इस कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि शैलेंद्र यादव के ट्वीट में आपने देखा कि बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जो है वो तन मन से उनके कार्यक्रम के लिए जुटे हैं, और क्यों जुटे हैं ये आप सभी को पता है। तो आपको बता दें कि बीजेपी इसका लेकर जो है जमकर विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि तेज प्रताप यादव जो है ये सही नहीं कर रहे हैं। खबर देखिए, यहां पर लिखा है बागेश्वर धाम करारा जवाब मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा तैयारी पूरी है, धीरेन्द्र शास्त्री के पटना कार्यक्रम को लेकर छिड़ी बहस। तो यहां पर पटना में कार्यक्रम उनका होना है और कार्यक्रम से पहले ही
बहस जो है वो छिड़ गई है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। 13-17 मई तक पटना के नौबतपुर में उनका दरबार लगने वाला है। उनके आगमन से पहले ही बिहार में बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। आरजेडी की ओर से उनके आगामी बिहार दौरे का विरोध किया जा रहा है। लालू के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। तेज प्रताप यादव ने उनको चेतावनी दी है, हालांकि अपने ट्वीट पर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम नहीं लिया है। तो अपने ट्वीट में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो सीधी चेतावनी वही दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं कि अगर बिहार में आकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, यहां पर कोई बयानबाजी की, तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने अपनी सेना भी तैयार कर ली है, जो लगातार भाईचारे को बनाने में जो है वो मेहनत कर रही है। आगे खबर में लिखा है, प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जो ट्वीट हमने आपको दिखाया, जिसके साथ कई तस्वीरें जो है उन्होंने शेयर कर रखी है। ट्वीट के साथ तेज प्रताप यादव ने कुछ तस्वीरें भी यहां पर शेयर की है, जिसमें वो युवाओं के समूह के साथ दिख रहे हैं। युवाओं को ट्रेनिंग की मुद्रा में दिखाया गया है, जहां तेज प्रताप यादव निर्देश देते भी दिख रहे हैं। तस्वीर देखकर यह लग रहा है कि तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए अपनी अलग अलग सेना जो है वो बना ली है। हालांकि उनके ट्वीट में डीएसएस शब्द का जिक्र है। तो यहां पर तस्वीरें आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तस्वीरें किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रही हैं। तेज प्रताप यादव भी इन तस्वीरों को शेयर करके तैयारी पूरी है, इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव डीएसएस के नाम से एक संगठन चलाते हैं। वैसे कहा यह जा रहा है कि जिन युवाओं को ट्रेनिंग वाली फोटो तेज प्रताप ने जारी की है वो डीएसएस का ही है। अब इसी के साथ बीजेपी इस पूरे मामले पे क्या कह रही है, बीजेपी इस बहस में धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रही है। यहां तक कि यह भी कह रही है कि तेज प्रताप यादव जो है वो सांप्रदायिक हो रहे हैं, उनका इस तरीके से कार्यक्रम से पहले ही विवाद होना ठीक नहीं है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आरजेडी की तरफ से विरोध हो रहा है, तो वहीं तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी सांप्रदायिक हो गई है। आप अगर किसी को बोलने नहीं देंगे तो आप सबसे बड़े सांप्रदायिक हैं, जिसकी जैसी मानसिकता स्थिति होती है वो वैसा ही बोलता है। बाबा बागेश्वर का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बाबा आ रहे हैं तो उनके प्रवक्ता बयान देंगे। साधु संत को भी अब ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। लालू यादव बीजेपी की कृपा से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो बाद में बीजेपी के खिलाफ लड़ने लगे। वो एक तरफ तो आरजेडी विरोध में है, बीजेपी समर्थन में है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आरजेडी और बीजेपी जो है वो आमने सामने आ गई है। बीजेपी खुलकर उनका समर्थन कर रही है। यहां तक कि आपको पता है कि बीजेपी के कई नेताओं को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जाते हुए आपने देखा भी होगा, तो उनकी पसंद जो है वो बाबा बागेश्वर धाम है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन यहां पर पटना में एक सीधी चेतावनी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी जा रही है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रम में अक्सर विवादित बयान जो है वो दे देते हैं। अपने कार्यक्रम में अक्सर वो हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराते हैं और हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कई तरह के वो बयान देते हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव जो है वो फैलने की आशंका जताई जाती है। और इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने उन्हें सीधी चेतावनी दी है कि अगर आपने यहां पर आके ऐसा वैसा कुछ भी किया, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम को अलग थलग करने की कोशिश की, तो आपको जो है अच्छा नहीं होगा, आपको अंजाम जो है वो भुगतना होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बाबा बागेश्वर पर तंज कसते हुए यह भी कहा है कि बिहार में कोई कथावाचक आते हैं तो अपना कथा सुनाकर जाए, शांति सद्भावना का माहौल अगर खराब करने की कोशिश होगी तो उन पर नीतीश तेजस्वी की सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर बिहार में खत्म नहीं होगा। बहुत लोग संविधान के खिलाफ कथा सुना रहे हैं, ये सब बिहार में नहीं चलेगा। तो बिहार में उनके कार्यक्रम से पहले ही विरोध जो है वो छुड़ गया है और बीजेपी और आरजेडी के बीच में बहस छिड़ गई है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने एक संगठन तैयार किया है जो भाईचारे को बढ़ावा देगा, भाईचारे को कायम करेगा, किसी भी कीमत पर भाईचारे को खत्म नहीं होने देगा, उस संगठन को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।